बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे। दोस्तों, एक टॉपिक है कि छोटे चूज़ों को क्या दें ताकि वो मरे ना, इन पे बीमारी कम से कम आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल एमआर नियाज़ी व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक की तरफ। तो आपने क्या करना है, छोटे चूज़े ये सामने जो पिक्चर में है ये तो एज में बड़े हैं। जो चूज़ा आपके मतलब फ्रेश पैदा होगा एक दिन का है, तो उसको उसके अंदर जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है बीमारियों का वो तेज़ करने के लिए आपने क्या करना है, जो आम ब्रूफेन वाली बोतल होती है आपने थोड़ी सी पानी में मिक्स करके छोटे चूज़ों को देनी है। मतलब आप कोई भी वैक्सीनेशन 1 वीक तक नहीं करा सकते, उस 1 वीक तक आपने यही ब्रूफेन वाली बोतल, अगर ज़्यादा मतलब चूज़े ज़्यादा बीमार हों तो उसके साथ ब्रूफेन के साथ हेड्रालिन डीएमई मिला लें तो आप ये दे सकते हैं। अगर चूज़ा 1 वीक या कम से कम 1 वीक, अच्छा है 10 दिन को, 10 दिन तक पहुँच जाए तो आपने क्या कर लेना है, आपने कोई भी इनकी वैक्सीनेशन कर देनी है, जैसे कि रानी खेत हो गया, एंटी लसुटा हो गया, आप वो कर सकते हैं। 1 वीक से छोटे चूज़ों को आप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कोई चूज़ ऐसे मतलब वैक्सीनेशन के बाद भी बीमार होता है तो आपने क्या करना है, उसको ब्रूफेन और जो एज में चूज़ा 1 मंथ का है या 1.5 मंथ का है तो उसमें ब्रूफेन के साथ आपने पेनाडोल एक्स्ट्रा चूज़ों के तादाद के मुताबिक उन्हें देनी है।